हैंडसम हैंडसम पीस तो मिल गया पाइन। वाह अरे तो गुड मॉर्निंग फिर से। तो दोस्तों अभी अभी बढ़िया लग रहा है, बारिश हो रहा है, तो अभी चलेंगे खेत की तरफ पे। तो मैं कल खरीदा हूँ कि दाल, वो लुकल वाला दाल से हम लोग खेती करने वाला, तो वो खरीद के लेके आया हूँ, वो भी पहुँचाने के लिए जाऊँगा घर पर। और गुड न्यूज ये है कि मेरा यूट्यूब का पैसा भी आ गया, तो अभी चिकन लेके जाएंगे माता पिता के लिए, और दाल लेके जाएंगे, और ग्रोसरी का सामान क्या क्या लगता है वो खरीद के लेके जाएंगे। तो बैग तो फुल हो चुका होगा, वो मैं लेके जा रहा हूँ दाल, लगभग 10 किलो लेके जा रहा हूँ दाल, तो उसका खेती करेंगे वहाँ पर। थोड़ा यहाँ से लेता हूँ चिकन, वह इस मालिक से चिकन। हाँ चिकन चिकन। हाँ तो बिल्कुल नदी के किनारे चिकन की शॉप है इसका, तो मम्मी पिताजी के लिए लेके जाएंगे, तो शाम को तो हम लोग भी लेके जाएंगे। मैं यहाँ जाने के बाद शायद झींगा पकड़ने के जाएंगे झींगा, क्योंकि इस भाई साहब ने मुझे एक बार बाकी करके दिया, इसलिए ऐसा नहीं बोला मैं। सो पैदल पहुंच गया हूँ मैं, पूरा बारिश में बिग बिग के। अच्छा हुआ कि हेलमेट और ये दो रेनकोट लेके आया हूँ मैं, और मैं इसमें रखा हूँ दाल ये वाला पहुँचने के बाद। तो ये कहाँ करेगा खेत, दाल के खेत? इसमें इस जुबिन में करेगा, इस जुबिन में। और उस तरफ भी? उस तरफ भी करेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से खाना खा के जाऊंगा, तो एक्चुअल में इसमें खाना नहीं खाने वाला था, तो पिताजी का मोबाइल, तो ये बड़ा मम्मी का मोबाइल को चार्ज कराने के बाद ही जाऊंगा, क्योंकि वो लोग का मोबाइल पर लो हो चुके हैं बैटरी। सो आ चुका है चिकन, हुआ कीरा और ये साग, में मिर्ची के साथ खाऊंगा खाना, तब फैमिली के साथ खाऊंगा खाना। पिताजी भी सेम खाना खा रहे हैं, पूरा काली। तो पैनल तो खा पी के तो कंप्लीट हो गया, तो पिताजी पूरा लास्ट है, बस चिकन ही बचा है। चिकन ठंडा ठंडा खोल, हो गई जा फूल, फूल हो गया। सो अभी तो बारिश होने वाले हैं, तो बाइक थोड़ा खराब है, बाइक को बढ़ाना पड़ेगा, वो ब्रेक शू लगभग हो गया 1.5 साल, अभी तक चेंज नहीं किया, फिर भी सही सलामत चल रहा है, लेकिन अभी तरह तरह आवाज कर रहा है, उसको रिप्लेस कर देंगे, नया में बदल देंगे। तो बारिश तो हो रहा है, और मैं बारिश को रोकने से मैं बिक जाऊंगा मैं, और रात भी हो जाएगा, मेरा वीडियो कम्प्लीटली बन नहीं पाएगा, और मुझे कॉल फिर से आना है पड़ेगा यहाँ पर मिर्ची पहुँचाने के लिए, लेकिन वो कॉल करना भूल गया, तो बाइक तो बिक गया। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले जाएंगे बाइक गैराज में, वो बाइक का ब्रेक शू लगा देंगे, आवाज़ कर रहा है, पुराना भी हो चुके हैं काफ़ी। तो यहाँ पर है समीर भैया, निकल रहा हूँ, ये कॉल एकदम पक्का वाला कॉल है। हाँ अभी खोल के तो ना पूरा बढ़िया से पैक किया मैंने। अभी कहाँ जाएंगे? अभी यहीं पर आया है, अभी चावल लेके जाऊंगी घर। तो अभी मुझे ब्रेक शू को चेंज करना है, तो आगे का पहिया का आगे पे मतलब चेंज किया, तो ये पीछे का तो बड़ा साइज का, तो बड़ा साइज का नहीं मिला, इसलिए मैं सीधा आ गया यहाँ पर। ये लोग अभी भी कुश्ती के लिए, पूरा देखे ना पूरा मट्टी से भरा हुआ यह भाग रहा है। तो कभी भी हम लोग भी ऐसा खेला करते थे, पूरा कीचड़ लगा के कुश्ती। तो यहाँ पर है अंधा के साथ, और ये है बॉयल, और ये बॉयल खाते हैं राइस। सो मैं खेत में भी खाया था, और मैं यहाँ पर भी खाऊंगा, बढ़िया। सो दोस्तों पैदल खाना वाना भी खा चुका हूँ, और अभी आ रहा है मुनू भाई, तो उसका कपड़ा है इस बैग में, पता नहीं वो कहाँ तक जाएगा, उससे पूछने से पता चलेगा, तो वो कहीं पर जा रहा है, वो कपड़ा लेने के लिए आ रहा है मुनू भाई, तो मैं रोज तक पहुँचा दूंगा ये बस। यहाँ पर है मुनू भाई का सामान यानी कि कपड़ा, और यहाँ पर छोड़ के गया था वो फिर से आने के लिए, तो मुनू भाई का हमेशा प्लान तो चेंज करते रहते हैं, तो उसको लोग बुलाते हैं इधर उधर, तो जाना ही पड़ते हैं, तो उसको शायद कहीं पर उसको बुलाया होगा, इनवाइट किया होगा, इसलिए जा रहा है। मुनू भाई को अपना कपड़ा पहुंचा दिया, बिल्कुल उर्फी जावेद का ड्रेस है, बिना कपड़े के साथ। और आज और कल को जाऊंगा शूटिंग, किधर? पसीघाट। पसीघाट से लिया, आज हम लोग स्टे करेंगे तेजू में। ठीक है, हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच। ठीक है, और फिर से खाना पर कटहल फिनिश करते हैं, यहाँ से पूरा हैंडसम कटहल। सो पहुंच गया हूँ फिर से ससुराल, इसको मारना है इंजेक्शन वैक्सीन।
कल दो तो मारा और फिर से आज दो तो मारना पड़ेगा। कैसा महसूस होता है वो मारने से? बहुत ही अच्छा। हाँ बढ़िया है, बड़ा ही हो तब तो। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हाँ क्या लेके आया मेरे लिए? कॉफी चॉकलेट का हम चाय नंग मारा। तो इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पर है मच्छरदानी, सो हम लोग मच्छरदानी से जाएंगे झींगा को फिशिंग करने के लिए, यानी कि ट्राउनिंग होगा, झींगा कैचिंग करेंगे। तो जितना शाम होता है इतना निकलते हैं हम लोग, जाएंगे लगभग 4-5 मेंबर जाएंगे। ये भी जा रही है टॉर्च लेके, रात होने से टॉर्च लेके पकड़ेंगे ना। कितना लग रहा है हम लोग? 5 जन। हाँ कितना लग रहा है हम लोग? 5 जन रंगा का। ओ यानी कि 5 जन रंगा का बोल रहे यानी। हाँ 5 आदमी जाएंगे झींगा पकड़ेंगे, पूरा बहुत ही मस्त लगता है झींगा फ्राई करके खाने से। थोड़ा नमक जरा डालेंगे, उसके बाद मिर्ची, बहुत ही मजा आता है गैस। तो मैं आज दिन भर तो इतना वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो बस वही टारगेट करके इसमें बैठा हूँ झींगा। और यहाँ से बच्चा है 1.5 किलोमीटर, इतना दूर होगा ना। हाँ थक गया ना। कल दो मारा इंजेक्शन, आज दो मारा है। आज फिर से दो मारा, वैक्सीन मारा, दो मारा। हाँ कंटिन्यू 5 दिन और 3 दिन बाकी है। मेरा पिछुआ एकदम पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो लोग जा रहा है आगे, गए 3 लोग और हम दोनों पीछे रह गया। सो अभी हम लोग नदी के किनारे पहुंच चुके हैं और मैं लास्ट, इसी से चलते हैं थोड़ा शॉर्टकट, ये पत्थर बिछाया हुआ है। तो अभी धीरे धीरे शाम हो रहा है और मुझे लगा कि 2 किलोमीटर होगा, तो ये 3 किलोमीटर इतना हो सकता है, क्योंकि हम लोग इससे करके आए हैं, इसलिए थक गया हमें आते आते। नहीं तो हम लोग सीधा बाइक से आना था, तो सोचा था कि कुछ एक्सरसाइज भी हो जाएगा, इसलिए आ जाए पैदल पैदल। रात को ही जाएंगे, इसी में लगभग 2-3 घंटा के आसपास पकड़ेंगे। पूरा तीर वीर तो कुछ लेके नहीं आया, सिर्फ हाथों से पकड़ेंगे। पिछली बार हम लोग आया था बहुत ही मिला था, और तीर से लेके जाएंगे और बहुत खाएंगे थाली में ढाल के झींगा। सो दोस्तों आते आते बहुत ही प्यास लग रहा था, तो यहाँ पर पहुँच गया फिर से कुआं पे, ठंडा पानी पियेंगे अभी। ये तो फिर है दोनों बहनों के साथ, तो मुझे भी पीना पड़ेगा और मैं पानी पीऊंगा बिल्कुल कुत्ता का स्टाइल, डॉग स्टाइल। मजा आया, और फिर से पीऊंगा, बहुत ठंडा है। बिल्कुल डॉग स्टाइल। यहाँ पर लगा देंगे मच्छरदानी, उसके बाद मछली को पत्थर मार, ऊपर से पत्थर मार मार के बगा के इस तरफ लेके आएंगे, उसके बाद सब फंस जाएगा ना। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हम लोग, अंदर ही झींगा मस्त मछली घुस जाएंगे, है ना सच्ची। सो मुझे झींगा खुजते खुजते तो मिल गया ठीर, तो इसे काम चलाऊंगा। मुझे लगता है ये यहाँ पर किसी ने छोड़ के गया होगा, तो मैं इसको मतलब जहाँ से मिला उसमें रख देंगे, जब मछली मिलेंगे तब। देखिए दोस्तों छोटा छोटा मछली बहुत थपक रहा है, पूरा भाग रहा है। देखो मछली देखने का हमारे यहाँ पर बहुत होता है मछली, वाह बहुत ज़्यादा है। देखे ना पूरा छोटा छोटा मछली, देखो मछली का बच्चा सब के सब। अरे भाई तो अभी नदी का स्तर मतलब तेजी से कम हो रहा है, इसलिए आज तो मछली बहुत ही मिलेगा और झींगा भी साथ में। तो इसमें एक तो है मछली, ये वाला मछली, इसको फिनिश करता हूँ पत्थर से। मर गया। वाह यहाँ पर काफी सारे झींगा और मछली फंसा हुआ है, अभी इसको उतारते हैं, नहीं तो बाद में भाग जाएंगे। यार फंस गया बहुत। तो मिल गया पानी, वाह वाह। तो इसमें 1 घंटा का कमाल, देखिए गाइस
अरे भाई यहाँ पर एक लंबा फिश है, ये डेंजरस। तो यहाँ पर मिल चुका है झींगा, पत्ता को खतरना पड़ेगा, उसके बाद इसको उतारेंगे। ये थोड़ा डेंजरस है, ये हाथ फाड़ देगा ये। अरे फिनिश 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 कर, फिनिश। फिनिश हो गया फाइनली, तो मिल गया रात का कमाल। रात को काफी मछली मिलते हैं, काफी पत्ता बहा के आ चुका है नीचे तक, तो इसको बाहर फेंकते हैं गंदा गंदा पत्ता को। बहुत मस्त लग रहा है भाई, वाह, काफी सारे मछली और झींगा, इसको मच्छरदानी से कैस्ट किया है। वाह, रात को ही मिलता है ज्यादातर, दिन को कम मिलते हैं। तो यहाँ से काफी निकल चुके हैं इस मच्छरदानी से, ये आधा बाल्टी हो गया ना। हाँ। तो यहाँ छोटा छोटा मछली, और इसमें बस कैचिंग करने से मिलते हैं। और तीर तो मैं कहाँ गया, तीर भूल गया था मैं, तो उसको उस तरफ रखा था मैं तीर उस तरफ। तो पहले हम लोग तीर से मारते थे, जाल से मारते थे, हुक से मारते थे, तो आज हम लोग आए हैं बस और मैस को, तो नेट से यानी कि मच्छरदानी से आया है, तो मच्छरदानी से तो बहुत ही मिलते हैं। और ऐसे करके रखने से हो गया, बिछा कर रखने से हो गया उसको, और पात्र मार मार कर दूर दूर के नीचे आ जाओ, तो ऐसे भी आलसी होते हैं वो, तो झींगा लोग ऐसे पकड़ के उतारो पूरा मला माल मछली। तो हम लोग को काफ़ी मिल चुके हैं, तो मार मार के वन थक चुके हैं। तो प्रियंका जी तो अंकल जी लोग तो अभी तक वहाँ पर है, अभी तक नहीं आया, तो वो लोग हम लोग वेट कर रहे हैं, मैं और साले जी एक ही साथ। इसको तो काफ़ी भूख लग रही होगी ना, तो वेट करते करते थक गया, फाइनली पहुँच गया। पांच मेंबर, चार मेंबर यहाँ पर भी है, ये तो बस मच्छरदानी और बस ये मिला, और वहाँ पर भी मिला। चलो अब चलते हैं। अरे प्रियंका तो वैक्सीन मरा, इंजेक्शन मरा, कैसे चल रही है ये? हाँ और आओगे। अरे तेरा पैन तो फट गया, उर्फी जावेद लाया था क्या तू? खत्म। तो अभी तो लगभग हो चुके हैं, सारी आठ बज चुके हैं, अभी हम लोग कहाँ खाना खाएंगे पता नहीं चल रहा। तो उधर में बहन भी खाना बना कर रखी है, तो यहाँ पर ससुराल में भी वो खाना बना कर रखे हैं, तो हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे सब्जी, उसी में खाएंगे। शॉर्टकट जाने का चक्कर में इधर से ज़रा नदी से तो अभी हम लोग पहुँच जाएंगे बस। हम तो 200 मीटर 300 मीटर का सब दूर है, बस शॉर्टकट जा रहा है जल्दी पहुँचने के लिए। सो यहाँ पर मिल चुके हैं फूल एक बाल्टी, पूरा झींगा, तो इसे खाएंगे फ्राई करके, तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड होंगे सब, तो हो जाएगा एक एक किलो करके, 3 किलो हो सकता है ये सब बस। तो आने के बाद खाना खा रहे हैं, इसमें बैठ गया खाने में, बिजी है। और तू खा लिया? नहीं खाया वहाँ पे जाके, नहीं खाया। हाँ तो हमारे घर में खाएंगे खाना, जाने के बाद कुकिंग करेंगे। झींगा लिया है, फ्रेश फ्रेश झींगा, एक पन्नी लिए हैं,
उससे काम चलेगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा कुकिंग किया हुआ झींगा लेके जा रहे हैं, थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हुआ, ससमा से नहीं बनाया है, घर आने का फिर से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम स्कूटर नहीं तो इसका वजह से हम लोग को काफ़ी मिल चुके हैं। सो दोस्तों अभी ये झींगा पूरा फिनिश कर देंगे, इसको बढ़िया से इसको सफाई करेंगे। तो ये सिर है ना, सिर का अपर मोड़ रहता है वो एस्टोमास जिसा, तो उसको निकालेंगे, हाथ पैर को निकालेंगे, उसका बाद फेरा कर रखेंगे ना। तो जब भूख लग रहा है तो अभी का टाइम लगभग कितना हुआ है मैं थोड़ा देखता हूँ। सो अभी का टाइम लगभग हुआ है 9:51। वाह बहुत ही हो चुके हैं, अब इसको सफाई करते हैं, उसके बाद फिर आए कर खाएंगे ना। सो फाइनली मैं झींगा को बढ़िया से वॉश करके लेकर आया हूँ, अब अभी फकाते हैं फिर आए करेंगे। झींगा लाल लाल हो जाएंगे। तो फाइनल कुकिंग हो चुका है, अब इसको बाहर निकालते हैं। वाह तो अभी का टाइम हो चुका है 10:30 हैं, तो अभी खाते हैं डिनर। तो ये बिंदी और ये मैंने बनाया, और मेरे ससुमा ने बनाया, तो ससुमा का टेस्टिंग करते हैं। मेरा सेम है। सो मैं खाना खाते खाते आया हूँ मिर्ची कोसने के लिए। तो मुझे तो मिर्ची के बिना खाना खाना इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं रात को आया हूँ मिर्ची कोसने के लिए। तो खाना वाना तो छोड़ के आ चुका हूँ मैं, अभी फिर से खाऊंगा मिर्ची। तो मिर्ची और मस्त हो रहा तो दोस्तों फाइनल तो खा पी के तो कंप्लीट हो चुके हैं, झींगा से खाया, बहुत ही मज़ेदार से खाया। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो पे। तो बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट, बढ़िया से रहना और अच्छे से सुना, कल सुबह से फिर से मुलाकात होते हैं। बाय।